हेलो स्टूडेंट्स, तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर दें। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस किस तरीके से किया जाता है, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, समांतर संयोजन प्रतिरोध का वो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग होता क्या है। तो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं। अब देखो कल का मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं कि हमने जो प्रतिरोध थे, रेजिस्टेंसेस थे, उनको एक सीरीज में क्या किया था, ग्रुप किया था, सीरीज में उनको संयोजित किया था कुछ इस तरीके से, ठीक है। सीरीज का मतलब क्या था कि जो करंट है वो सेम करंट तीनों में फ्लो हो रहा है, ठीक है, R1 में भी वही जा रहा है, R2 में भी वही करंट जा रहा है और R3 में भी वही करंट जा रहा है, ठीक है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ करंट तीनों में जा रहा था। ये क्या था हमारा, श्रेणी क्रम संयोजन था, सीरीज ग्रुपिंग था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल ग्रुपिंग कैसे करेंगे, पैरेलल का मतलब आपको पता ही होगा कि एक दूसरे के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। तो यहां पर सिंपली मैं वही करने वाला हूं कि मैं रेजिस्टेंसेस को एक दूसरे के पैरेलल रखूंगा कुछ इस तरीके से। यहां पर मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूं, ये रेजिस्टेंस और ये थर्ड भी रेजिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरे के मैंने इनको कैसे कर दिया है, पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। यहां पर एक की लगा दी हमने और उसको जोड़ दिया वायर से। तीनों रेजिस्टेंसेस के मैं नाम दे देता हूं, R1, R2 और R3। करंट यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा I। अब देखो यहां पर खासियत क्या है, या फिर दोनों में अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सीरीज ग्रुपिंग जो होता था, सीरीज ग्रुपिंग जो होता था उसमें R1, R2, R3, सीरीज ग्रुपिंग में सेम करंट, मतलब ये जो I है वो R1 में भी जाता था, उसके बाद R2 में भी जाता था और उसके बाद R3 में भी जाता था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर जैसे ही करंट आगे बढ़ेगा और इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो एक पार्ट करंट का ऊपर चला जाएगा, एक पार्ट करंट का इधर चला जाएगा और एक पार्ट करंट का यहां चला जाएगा। ये वाला पार्ट यहां पर घूमेगा और कहां पहुंचेगा, इस एंड पर। ये वाला पार्ट इसमें घूमेगा और पहुंचेगा इस एंड पर, और ये वाला पार्ट इसमें घूमेगा और पहुंचेगा इस एंड पर, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हम इन दोनों एंड्स के बीच में निकाल सकते हैं। यहां पर तो अलग अलग रेजिस्टेंस थे, अलग अलग लॉस हो रहा था, इसलिए हम तीनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देते हैं। तीनों अंतों के मतलब जो भी वहां पर तीनों अंत थे रेजिस्टेंसेस के, दोनों जोड़ थे उनके बीच में हम विभवांतर निकाल देते हैं। यहां पर क्या है, हमें दो पॉइंट्स मिल सकते हैं, एक यहां पर पॉइंट, एक यहां पर पॉइंट। करंट यहां से जाएगा और पूरा लॉस और जो भी होगा वो होने के बाद कहां मिलेगा, हमें यहां मिलेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो यहां पर विभवांतर होगा वो एक ही होगा, वो क्या होगा, v होगा। आया समझ में, तो आपको पैरेलल ग्रुपिंग आई होप समझ में आ गई होगी। अब इसके डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डेरिवेशन देखो, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग या फिर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि श्रेणी क्रम में एक ही करंट तीनों रेजिस्टेंस से या फिर जितने भी रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए हैं उनसे फ्लो होता था। लेकिन समांतर क्रम में क्या है, अलग अलग रेजिस्टेंस से अलग अलग करंट वहां पर फ्लो होता है। समांतर क्रम संयोजन को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं जो मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है, आपको बुक में हो सकता है ऐसा देखने को मिले, तो कंफ्यूज मत होना, इसका भी मतलब यहां पर वही है जो हम पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा ये
डायग्राम हमको थोड़ा अच्छे से बनाना है, डायग्राम व्यवस्थित दिखना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लस साइन दे दिया, माइनस साइन, इसको की बोल दिया कुंजी। यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। इस रेजिस्टेंस को मैं आर वन बोल देता हूँ, इसको आर टू बोल देता हूँ, इसको आर थ्री बोल देता हूँ। दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं क्या बोल देता हूँ? वी बोल देता हूँ। आया समझ में? इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने क्या बोल दिया? वी बोल दिया। अब करंट जैसे इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पर पहुंचने पर एक पार्ट करंट का ऊपर जाएगा, एक पार्ट इधर जाएगा और तीसरा पार्ट यहां जाएगा। तो मैं सोचता हूं, मैं ये कंसीडर करता हूं कि R1 में जो करंट जा रहा है वो करंट है I1, R2 में जो करंट जा रहा है वो करंट है I2, और R3 में जो करंट जा रहा है वो करंट है I3। ठीक है, मतलब R1 में I1 जा रहा है, R2 में I2 जा रहा है, और R3 में I3 जा रहा है। तो करंट क्या होगा यहाँ पर? डिवाइड हो गया I1, I2, I3। पिछले वाले में क्या डिवाइड हो रहा था? वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर वहां पर क्या हो रहा था? डिवाइड हो रहा था। हम निकाल रहे थे V = V1 + V2 + V3, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? करंट डिवाइड हो गया, करंट अलग अलग हो गया। तो इसलिए टोटल करंट बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। कुल विद्युत धारा या फिर कुल विद्युत I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखेंगे। ठीक है, दोनों कोई नहीं लिखेगा। ये मैं दोनों इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को भी आसानी है और इंग्लिश मीडियम वालों को भी आसानी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें टोटल करंट तो हमें मिल गया, लेकिन ओम के नियम से हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि V बराबर I इनटू R होता है। क्या होता है? V बराबर I इनटू R। इसी में इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, बाय ओम्स लॉ वी नो दैट। ठीक है, क्या हमें पता है V बराबर क्या होता है? I R होता है। अगर मैं I की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगी? R इधर चला जाएगा तो V अपॉन में R, है ना? I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन में R। So, और हिंदी मीडियम वाले लिख लेना तो। ठीक है, So, अगर मैं I1 की वैल्यू निकालूंगा, जैसे I की वैल्यू तो यहां पर दी हुई है, क्या हो जाएगी? V अपॉन में R, तो ये हो गया एक। अगर मैं I1 की वैल्यू निकालू तो I1 क्या है? V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और किसके रिस्पेक्ट में कौन से I1 कहां जा रहा है? R1 में जा रहा है, तो V अपॉन में R1। ये हो गई किसकी वैल्यू? I1 की। I2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? V अपॉन में R2। I3 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी V अपॉन में R3, कुछ इस तरीके से। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखो ध्यान से, I अगर मैं निकाल रहा था तो V अपॉन में R था, क्योंकि ओम्स लॉ में यही बताया था। अब अगर मैं I1 निकालूंगा तो I1 कहां जा रहा है? R1 में, इसलिए क्या हो गया? V अपॉन में R1। I2 कहां जा रहा है? R2 में, इसलिए हो गया V अपॉन में R2। I3 कहां जा रहा है? R3 में, इसलिए हो गया V अपॉन में R3। यहां तक आया समझ में? सभी मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, जितने भी मान है उनको कहां रखना है आपको? समीकरण एक में रखने पर, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में रखने, तो सबसे पहले देखो इक्वेशन वन क्या है? I इज इक्वल टू I1, I2, I3। तो I की वैल्यू क्या है यहाँ पर?
बी अपॉन में आर बराबर बी अपॉन में आर वन प्लस बी अपॉन में आर टू प्लस बी अपॉन में आर थ्री। देखो आई की वैल्यू है बी अपॉन में आर, तो मैंने आई की जगह पर क्या रख दिया बी अपॉन में आर। I1 की वैल्यू है बी अपॉन में आर वन, तो I1 की जगह पर बी अपॉन में आर वन, I2 की जगह पर बी अपॉन में आर टू और I3 की जगह पर बी अपॉन में आर थ्री। यहाँ पर तो बी अपॉन में आर है, यहाँ पर V इसमें भी है, V इसमें भी और V इसमें भी है, तो V को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो बचा गया वन अपॉन में आर वन प्लस वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री। ठीक है, क्या किया आपने V तीनों में से कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो V बाहर आ गया, V चला गया तो बचा 1 अपॉन में R1, V चला गया तो बचा 1 अपॉन में R2, चला गया तो बचा 1 अपॉन में R3, V से V कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन में R = 1 अपॉन में R1, 1 अपॉन में R2 और 1 अपॉन में R3। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। यूनिट लगाना मत भूलना, क्योंकि आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो इसलिए यहाँ पर यूनिट लिखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, तो ये आज जो हमने टॉपिक पढ़ा ये था पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, जो भी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ये दोनों ही डेरिवेशन जो एक कल मैंने करवाया था और जो ये आज करवाया है, ये दोनों डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो इनको अच्छे से कर लेना, अगर इसमें कोई डाउट आए तो आप लोग ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।